A very good morning to all of you, my dear students. Students, today we will read our chapter number 4. The name of chapter is Introduction to GIMP. Remember, the name of lesson is Introduction to GIMP. The full form of GIMP, GNU Image Manipulation Program. So, today we will do the, we will do the exercise of this lesson. So, let's start. First of all, multiple choice question. क्वेश्चन नंबर वन जी आई एम पी इज इमेज एंड डैश एडिटिंग टूल इसमें से कौन सा एडिटिंग टूल है तो इसमें फर्स्ट में जो है वो आपका ओपन सोर्सेज आएगा ओपन सोर्स पहला क्वेश्चन का ये आएगा दूसरा क्वेश्चन देखें द डैश टूल अलाउज़ यू टू सेलेक्ट ए ड्रॉविंग विद द फ्री हैंड आपने फोटोशॉप में पढ़ा होगा ठीक है कि कौन सा टूल जो आपको फ्री हैंड ड्राइंग करने की परमिशन देता है अलाउड करता है तो ये जो इसमें है टू के अंदर क्वेश्चन नंबर टू में इसमें सेकेंड इसका आएगा लेसो टूल अलाउड करता है आपको ठीक है लेसो टूल तो याद रहे सेकेंड का लेसो टूल है थर्ड जो क्वेश्चन है द फजी सेलेक्ट मैजिक वे, मैजिक वेंट यानी फिर जी सेलेक्ट मतलब कौन सा था मैजिक वेंट टूल हेल्प यू टू सेलेक्ट एरियाज ऑफ द कौन से एरिया को सेलेक्ट करने की हेल्प करता है जो मैजिक वेंट टूल है वो तो इसके अंदर आप देखें कौन कौन से देखें कैनवास ऑल द लेयर्स ठीक है दूसरा है करंट लेयर और इमेज विद डिफरेंट कलर्स तो जो मैजिक वेंट टूल है जो आपकी करंट लेयर है उसको अलाउ करता है तो इसका आंसर क्या आएगा थर्ड का करंट लेयर ठीक है इसका आएगा करंट लेयर थर्ड का आंसर फोर्थ देखें आप शिफ्ट प्लस सी इज़ द शॉर्टकट टू द इमेज शिफ्ट प्लस सी जो है फोटोशॉप में या कोरल के अंदर किस में काम आता है तो इसको देखेंगे शिफ्ट प्लस सी जो टू तू, टूल है या शॉर्टकट की है वो हमें क्रॉप करने के काम आती है किस में काम आती है क्रॉप करने के काम आती है तो याद रखें इसके अंदर फोर्थ का जो है वो डी क्रॉप आएगा फिफ्थ देखें फिफ्थ the टू प्रिपेयर the इमेज फॉर the web means टू प्रिपेयर the images फ़ॉर the web means मतलब इमेज प्रिपेयर करने के अंदर वेब के लिए इसका मतलब क्या होता है रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एन इमेज जिपिंग द इमेज क्रॉप द इमेज या ऑल द अफाव जो साइज इमेज की साइज उसको रिड्यूस करने को जो है ना उसको कहते हैं टू प्रिपेयर द इमेज फॉर द वेब मीन्स रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एन इमेज तो फिफ्थ का क्या आएगा ए फिफ्थ का क्या होगा ए होगा फिफ्थ का ए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें जे आई एम पीज बेसिक प्लेटी कंसिस्टिंग ऑफ डैश कलर्स जे पी बेसिक प्लेट्स में कितने कलर्स होते हैं बेसिक कलर्स तो दो होते हैं मेरा कितने होते हैं दो कलर्स होते हैं तो इसके अंदर आप पिक करेंगे टू के ऊपर यानी बी आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर ऊपर उसको बाद देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे स्केल ऑप्शन इज यूज टू चेंज द डैश ऑफ एन इमेज स्केल का जो ऑप्शन है वो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है स्केल ऑप्शन कलर के लिए साइज के लिए एरिया के लिए या ऑल ऑफ द वॉक के लिए तो स्केल ऑप्शन जो है वो साइज के लिए किया जाता है किसके लिए किया जाता है साइज के लिए तो साइज आएगा इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इमेज विंडो वेयर द इमेज इज डिस्प्लेड ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ठीक है विंडो का जहाँ पे इमेज डिस्प्ले की जाती है तो कौन सा वो जगह है कैनवास विंडो स्केल या साइज कैनवास है जहाँ पे हमारी इमेज डिस्प्ले होती है तो क्या आंसर आएगा इसका कैनवास ठीक है नाइन्थ का ए हो गया क्लियर है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें टेन नंबर द डैश टूल प्लेसेज टेक्स्ट इन टू एन इमेज जो तो इसमें कौन सा टूल जो है वो इमेज के अंदर टेक्स्ट यानी कुछ नाम लिखने के लिए हेल्प करता है आपकी तो सिंपल है वो टेक्स्ट टूल ही होता है कौन सा होता है वो टेक्स्ट टूल तो इसका आंसर जो है वो आएगा टेक्स्ट टूल क्वेश्चन नंबर टेन समझ में आ गया आपको अभी हम देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स द कोरल पेंट शॉप पहला देखिए आप द कोरल पेंट शॉप फोटोज प्रो अलाउज यू टू यूज द डैस ठीक है विद एडवांस्ड इन्हेंसमेंट टूल तो पहला जो कोरल पेंट सोप है एक तो फोटो पेंट फोटोशॉप देखा आपने ये है कोरल पेंट सोप के बारे में तो इसके अंदर क्या है द कोरल पेंट सोप प्रो अलाउज यू टू यूज द डैश विद एडवांस्ड फीचर्स तो बोले इसमें क्या था डैस यानी इसमें आएगा फोटो ऑर्गेनाइजर यूज़ द फोटो ऑर्गेनाइजर तो रिमेंबर पहले में क्या आएगा फोटो ऑर्गेनाइजर फोटो फर्स्ट में ऑर्गेनाइजर ओ आर जी ए एन आई जेड ई आर या एस ई आर ऑर्गेनाइजर ठीक है फोटो ऑर्गेनाइजर पहले का दूसरा देखें द फोटोशॉप फोटो स्टूडियो सिक्स प्रोवाइड द फीचर फॉर एडिंग डैश एंड स्टैम्पिंग फैसिलिटी ऑफ एन ऑन हाई बिट डेप्थ इमेजेस फ़ोटोशॉप आपको जो है कौन से कौन से फ़ीचर करता है कौन सी चीज़ें आपको एडिट करने के लिए उसमें जोड़ने के लिए ऐड करने के लिए अलाउ करता है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो इसमें आ जाएगा आपको एन इसमें नॉर्मली क्या आएगा यहाँ पे इस इसको देखें एक मिनट काम नहीं कर तो इसमें, तो इसमें थोड़ा थो 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 प्रॉब्लम कर रहा है द फोटोशॉप सिक्स

और सी में है डैश इज द मोस्ट पावरफुल इमेज एडिटिंग टूल सबसे मतलब इमेज को एडिटिंग टूल करने का कौन सा टूल जो है सबसे है तो वो है इंक स्केप क्या है बेटा इंक स्केप इंक स्केप इंक स्केप टूल जो है वो सबसे मोस्ट पावरफुल इमेज है एडिटिंग करने के लिए अब हम देखते हैं दूसरा इसमें क्वेश्चन नंबर डी डैश इज द टूल नोट फॉर डिटेल एडिटिंग डैश इज द टूल नोट फॉर डिटेल्ड एडिटिंग कौन सा टूल जो है डिटेल्ड एडिटिंग लेनी है तो वो है टेक्स्ट टूल की. कौन सा है टेक्स्ट टूल टी ई -E एक्स टी टेक्स्ट टूल जी आई एम पी इज प्रजेंटेड इन कितने फॉर्म में है जी आई एम पी जी एम पी जो है वो दो फॉर्म में है कितने फॉर्म में है दो फॉर्म में है टू फॉर्म्स लेयर्स आर वंडरफुल फॉर क्रिएटिंग जो लेयर है वो किसके लिए क्रिएटिंग के लिए बढ़िया है वो कॉलेजियस के लिए सी ओ डब्ल्यू एल ई ए जी ई एस सी ओडब्ल एल ई ए जी एस कॉलेजेस के लिए ठीक है बेटा जी में है क्रोपिंग रिमूव डैश फॉर एवरीथिंग आउटसाइड इसको आउटसाइड या क्रॉपिंग रिमूव क्या है यहाँ पे आ जाएगा ऐसा अनवान्टेड पार्ट अनवॉड अनवान्टेड देखिएगा यहाँ पे बुधवार लिखता हूँ क्रॉपिंग रिमूव अनवान्टेड पार्ट्स है ना जो हमको नहीं चाहिए उसको ही हैं ना क्रॉप अनवान्टेड पार्ट्स पहले में आ जाइए और दूसरे में दिया होगा सिलेक्टेड सेलेक्टेड सिलेक्टेड का एरिया हो जाएगा आउटसाइड सिलेक्टेड कर दो सिलेक्टेड एरिया सिलेक्टेड एरिया है ना और एवरीथिंग आउटसाइड सिलेक्टेड एरिया ठीक है अब इसमें आएगा आपका जी आई एम पी टू पॉइंट एट डिफॉल्टू डैश विंडो मोड जी एम पी टू पॉइंट एट जो है वो कौन से विंडो मोड का है तो इसमें आएगा मल्टी विंडो हमेशा किस में आता है वो मल्टी विंडो के अंदर एम यू एल टी आई मल्टी विंडो ठीक है बेटा तो यानी आपका दोबारा से बताऊँ लास्ट वाले में मल्टी विंडो है जी वाले में जो है अनवांटेड पार्ट्स पहले में आएगा और दूसरे में आएगा सिलेक्टेड एरिया लेयर्स आर वंडरफुल क्रेटिंग एफ में जो दे रखा है तो लेयर्स आर तो इसमें आ जाएगा कोलेजेस ई में दिया हुआ जी आई एम पी इज प्रजेंटेड इन डैश फॉर्म यानी दो फॉर्म में डी जो मैं यहाँ पर ई में क्या आएगा टू फॉर्म्स डी में क्या आएगा डैश इज़ द टूल नॉट फॉर डिटेल्ड एडिटिंग तो इसमें डैश इज द टूल तो कौन सा टूल एडिटिंग के लिए डिटेल नहीं है वो है टेक्स्ट टूल टी ई -E एक्स टी टेक्स्ट टूल क्लियर है बेटा तो ये था हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आज के लिए एक्सरसाइज में इतना ही है अगले वीडियो में हम क्वेश्चन से बताएंगे आपको थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे